हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिनेमा आजकल और आज मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की एवरग्रीन दो फिल्में अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी में कल्ट क्लासिक मूवी का क्रेडिट किसको मिला। बहुत सोचने योग्य बात है कि दोनों मूवी बहुत भारी है भाई, हालत ख़राब हो गई थी इसको। कल्ट क्लासिक मूवी का दर्जा बहुत एवरग्रीन फिल्मों को मिलता है। आप जान सकते हैं कि मुगले आजम है, शोले है, ये कल्ट क्लासिक फिल्म है, बहुत कम फिल्मों को मिलता है, लेकिन इन दोनों में से मिला है और ये हो गया था 50-50 है भाई दोनों का। तो स्टार्टिंग से आप वीडियो देखिए, मैं पूरा आपको बताता हूँ एनालाइज करके कि क्या हुआ था। पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, मैं बहुत, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा दिल को दर्द पहुँचता है, ठीक है। अंदाज अपना अपना रिलीज हुई थी 4 नवंबर 2014 को, 4 नवंबर, ठीक है। बजट इसका करीब ढंग से दिखा नहीं रहा है इस पर, तो बजट का बात नहीं करूँगा, कलेक्शन का बात भी नहीं करूँगा क्योंकि ये फिल्म थिएटर में फ्लॉप हो चुकी थी, ठीक है, थिएटर में उतर गई थी क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं था, प्रमोशन ही नहीं हुआ था इस फिल्म का ढंग से। तो फिल्म का जो लागत है ये पूरा DVD में वसूल करी है, ठीक है। री रिलीज होके ये फिल्म भी री रिलीज हुई है, ठीक है। और सेकेंड फिल्म है हेरा फेरी, 31 मार्च 2000 में अक्षय कुमार जस्ट निकलने वाले थे लंदन, अपना बोरिया बिस्तर बांध लिए थे कि इनकी जानवर, और फिर ये आ गई मूवी 2000 में, तो फिर खबर अक्षय बोला नहीं अभी है। इसके बाद ही फिर प्रदर्शन के साथ ही इन्होंने फिर बैक टू बैक बन के बने अक्षय कुमार बने, ठीक है। बजट था इसका 18 करोड़ रुपये का, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था मात्र 25 करोड़ रुपया, एवरेज ही थी, ठीक है, ना हिट ना फ्लॉप, लेकिन ब्रांडिंग में ये ओवर TV राइट्स में बहुत कमाई। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशली वीडियो लाऊंगा, वो भी कल लाऊंगा, ठीक है, कि इन दोनों फिल्मों में ब्रांडिंग कितनी हुई और दोनों फिल्मों ने DVDs और TV राइट्स से कितने कमाए, ठीक है, सेटेलाइट राइट्स से। म्यूजिक तो दोनों का नहीं बिका क्योंकि दोनों में म्यूजिक थे नहीं, तो म्यूजिक राइट्स की तो बात ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या हुआ जब दोनों फिल्मों का बात आया कि अब दिया जाए कल्ट क्लासिक एज ए कॉमेडी मूवी को, ठीक है, तो किसको दिया जाए, अंदाज अपना अपना या फिर हेरा फेरी। तो बहुत एनालाइज हुआ इसमें, बहुत एनालाइज हुआ। चलो आप बोलते हैं फिर एक काम करते हैं, चलो यार पब्लिक वोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर पब्लिक वोटिंग कराया गया, ठीक है, फिर ज्यूरीज का वोटिंग हुआ, फिर वो भी 50-50 ही जा रहा था लगभग, किसी में ये आगे बढ़ रही थी, किसी में हेरा फेरी, किसी में अंदाज अपना अपना, तो कोई मिक्स अच्छा रिव्यू चल रहा था, ठीक है। कोई एक एग्जैक्ट फिल्म को कि एक मतलब हर फील्ड में ऐसा नहीं कि हर फील्ड में हेरा फेरी आगे चल रही, तो जहाँ समझ में आ गया हेरा फेरी को दे देते हैं, हर फील्ड में अंदाज अपना चालू हो गई तो बोले अंदाज अपना को देते हैं, ऐसा नहीं, मिक्सअप चल रहा था, ठीक है। फिर ज्यूरीज में फिर इसमें बहुत सी आई, मतलब फिल्म फेयर आ गई, स्टारडस्ट आ गई, फेविना आ गई, पेप्सिको आ गई और गैलेक्सीज आ गई, सारी जितने पत्रिका हैं और जितने कॉपरेट्स हैं वो सब आ गए, ठीक है। और सारा भी था उस समय, फॉक्स था उस समय, ठीक है, डिज्नी ने भी इंटरफेयर किया, ठीक है। तो ये सब देखते हुए फिल्मों को दिया गया कि दोनों में से यार एज ए कल्ट क्लासिक मूवी का दर्जा अगर देना पड़े तो एक है अंदाज अपना अपना, जो कभी भी देख लो बोर नहीं, दोनों का सेम है कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी। तो बजट कलेक्शन की तो बात ही नहीं करते, दोनों ने एवरग्रीन हुआ है। तो देखिए कि फिल्म सबसे ज़्यादा रिलीज कौन सी हुई है, रिलीज मतलब होता है एक फिल्म थिएटर से उतर गई, ठीक है, उसको फिर दर्शकों की मांग पे दोबारा जब थिएटर में लगाया जाता है ना, उसको बोलते हैं री रिलीज, है ना। वैसे बहुत सी फिल्में हुई हैं, इस पर भी एक मिनट वीडियो बनाऊंगा, जैसे शोले हुई है री रिलीज, फिर शोले 3D में भी आई है री रिलीज, फिर कई फिल्म रंगीन में बन के आई हैं ब्लैक एंड वाइट टी, फिर री रिलीज हुई है। तो दोनों में देखा गया तो दोनों फिल्में हालांकि TV पे उपलब्ध थी, लेकिन एज ए टॉकीज़ का मज़ा अलग होता है ना, इसलिए तो होता है फिर री रिलीज। अब दिखाने ही है कलर में आ गए तो TV में भी देख सकता है, ठीक है, चल तो 3D इफेक्ट है तो टॉकीज़ जाना पड़ेगा। बाकी ऐसे बहुत कम फिल्म हो, जैसे DDLJ कितने बार री रिलीज हुई है, कितने दिल्ली में तो होते ही रहती है, ठीक है। अब पंजाब में तो इनका हो ही गया है कि बैसाखी के समय ये फिल्म लगा ही देते हैं DDLJ देखो, और बैसाखी भी मनाओ बोल के, ठीक है, तो होते ही रहते हैं वहाँ पर, तो ये फिल्म री रिलीज, ठीक है। तो दोनों को देखा गया तो हेरा फेरी का री रिलीज थी ऑल इंडिया लेवल पे, करीब ये फिल्म री रिलीज हुई 10 बार, ठीक है, 10 बार इसको री रिलीज किया गया अन्य अन्य शहरों में, ठीक है।
लेकिन अंदाज अपना अपना ने बाजी मार दी 16 बार। 16 बार इस फिल्म को दर्शकों की मांग पे री रिलीज़ किया गया। बहुत इजी नहीं होता री रिलीज़ करना, ठीक है। प्रिंट 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 दुनिया भर के इधर उधर चले गए थे, उनमें से सबसे अच्छा प्रिंट देना पड़ता है, फिर टॉकीज ऑकीज बुक करना पड़ता है, टॉकीज देना पड़ता है, और बहुत हैवी काम है, प्रमोशंस होते हैं, इसलिए स्टारों को स्पेशली घोषणा पड़ता है कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और हम होने दे रहे हैं, क्योंकि भाई आपने एक बार लगाने का थिया, थिएटर राइट्स भेज दिए, सब भेज दिए, ठीक है, उसके बाद भी स्टार भी देता है ना अपना ओपिनियन कि हाँ आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक बार का तो दे दिया लेकिन दूसरी बार रिलीज होगी उसमें कमाएगी कौन, देगा पैसा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आप टीवी पर बेच सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ पेपर वर्क होता है, अगर हुआ नहीं हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन इसका लास्ट में दिया गया क्रेडिट, फिर दिया गया अंदाज अपना अपना को। अब भाई मेरी तो दोनों फिल्म फेवरेट है। अब आप कमेंट करके बताना मुझको कि आपको मेन ये जो कल्ट क्लासिक का दर्जा अंदाज अपना अपना में चला गया, तो आप इस बात से सहमत थे कि ये जाना चाहिए था हेरा फेरी को, ये 50-50 था और दोनों को नहीं दे सकते थे क्योंकि क्रेडिट हमेशा एक को मिलता है, दो जन क्रेडिट कभी लेके नहीं जाते हैं, और फिल्म मिल गया राजकुमार संतोषी की को मिल गया, अंदाज़ अपना अपना के लिए दर्शन को नहीं मिला। अब ये तो बड़े बड़े लोगों खेल है, कॉर्पोरेट का खेल है, फिल्म इंडस्ट्री का अपना ओपिनियन है, बॉलीवुड की अपना सोच है, लेकिन मैं खुश हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा गए दोस्तों।